नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कोरोना संकट के चलते पहले ही आर्थिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में परेशानी से जूझ रही है। ऐसे में सरकार के सामने अब एक और परेशानी आकर खड़ी हो गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के बाद अब स्थानीय चुनाव की समय सीमा भी तय कर दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सरकार से स्थानीय निकाय के शेष रहे चुनाव भी 31 अक्टूबर तक करवाने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि महज 30 दिन में नगर निकाय के चुनाव कैसे हो सकेंगे, क्योंकि इसके लिए तमाम प्रक्रियाओं के साथ ही पार्टियों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने में भी समय लगेगा। इसके अलावा इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए भी चुनाव प्रचार भी वर्चुअली होने वाला है। वहीं राजस्थान कांग्रेस में पिछले दिनों उजागर हुई गुटबाजी को लेकर सीएम गहलोत की चिंता अभी भी कुछ कम नहीं हुई है। इसलिए वे चाह रहे थे कि जब तक ये पूरा मसला सुलझ न जाए तब तक स्थानीय चुनाव न करवाए जाएं, क्योंकि अब तक तो कांग्रेस को सीधी टक्कर सिर्फ भाजपा से ही मिलती थी, लेकिन अगर अभी चुनाव करवाए जाते हैं तो कांग्रेस को आपसी गुटबाजी के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में भी पायलट खेमा अड़ंगा लगाकर अपने खेमे के लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहेगा और इसमें गहलोत खेमा कमजोर हो जाएगा। वही गांवों की सियासत में कांग्रेस का अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन शहर की राजनीति में गहलोत और पायलट खेमे में आपसी खींचतान का खामियाजा कांग्रेस को हार के रूप में उठाना पड़ सकता है। इसका असर ये हो सकता है कि प्रदेश की सियासत पर एक बार फिर से सियासी संकट की काली छाया पड़ सकती है। यही वजह है कि गहलोत सरकार स्थानीय निकाय चुनावों को फिलहाल टालना चाह रही है।